हेलो एवरीवन, तो आज बनाएंगे अरबी की सूखी सब्ज़ी। हमारे झारखंड में अरबी को कच्चू भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ लगभग आधा किलो कच्चू ले लिया है। कच्चू को फिर मैं डाल रही हूँ कुकर में। कुकर में डालने के बाद इसे दो सीटी आने तक गला लेंगे। ध्यान रहे ये ज़्यादा नहीं गले, क्योंकि ये फिर कटता नहीं है और चिपकने लगता है और सब्ज़ी बनाते टाइम पूरा टूटने लगता है। तो बस दो सीटी लगाए हैं और उसके बाद चेक कर लें कि ये गला है या नहीं। अब इसको मैं ठंडे पानी में डालकर अच्छे से छील ले रही हूँ। छीलने के बाद इसे गोल गोल इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे लंबा भी काट सकते हैं, पर मैंने इसे गोल गोल काटा है। हमारे झारखंड में कच्चू की सब्ज़ी अक्सर मसूर के दाल में बनती है, जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मैं उसकी रेसिपी भी एक बार आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। पहले मुझे ये खाने का मन हुआ तो मैं आज इसे ट्राई कर रही हूँ। इधर पैन चढ़ा दिया मैंने गैस पर और उसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। सब्ज़ी अक्सर मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और तड़का मार देंगे थोड़ा सा हींग डालकर। अब उसको अच्छे से तल लेंगे और उसमें फिर डाल दे रही हूँ मैं कटे हुए कच्चू। अब उसको ना क्या करेंगे, तेल में अच्छे से 2 से 4 मिनट तक तल लेंगे, ताकि उसका जो चिपचिपापन है वो थोड़ा कम हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक, और फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा आमचूर, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। आमचूर का पाउडर डालने से ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खट्टाई डालना बहुत ज़रूरी है कच्चू की सब्ज़ी में। बस धीमी आँच पर इसे भूनते रहिए, बिल्कुल इस तरह ड्राई हो जाएगा। और बस गार्निश कीजिए धनिया की पत्ती के साथ और दाल चावल या रोटी के साथ खाइए। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो आप भी ज़रूर बनाइए। और वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।